एंड वेलकम माय डियर वंस, दिस इज अनमोल सचदेवा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर थीफ स्टोरी। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसा जैसा मैं बोलता रहूंगा वैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस और आंसर मेंशन रहेंगे, तो आप साथ साथ पढ़े उन्हें रिलेट कीजिएगा, आपको तभी याद हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर्स टू इन दिस स्टोरी। आई यहां पर किसके लिए यूज किया गया है? सो आंसर इज इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द थीफ। तो आई जो है वो है थीफ, क्योंकि थीफ अपनी कहानी खुद बता रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो इसमें बात हो रही है चोर के बारे में, जो थीफ है, दैट ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, बड़ा ही साफ हाथ, मतलब कामयाब था वो, किस चीज के अंदर माहिर था वो। Answer is he is fairly successful hand at stealing and robbing the people. तो वो चोरी करने में, लोगों को लूटने में माहिर था। So next question discuss करते हैं। What does he get from Anil in return for his work? हरि सिंह को जो वो काम करता था उसके बदले में उसे अनिल से क्या मिलता था? Answer is when Hari asked Anil if he could work for him, अनिल replies that he couldn't pay him. तो जब अनिल को पूछता है हरी सिंह that मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल मना कर देता है that मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। Then finally they reach that agreement. तो वो agreement पर पहुँचते हैं that अनिल कहता है कि I'll feed you only if you cook food for me. मैं तुम्हें feed करूँगा only अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। अनिल soon found that he didn't know how to cook food. तो अनिल को जल्दी ही पता चल जाता है that जो हरी सिंह है उसे खाना बनाना नहीं आता। So he taught him, उसे वो खाना बनाना सिखाता है, and later how to write his name. हरी सिंह को अनिल उसका नाम लिखना भी सिखा देता है। He promised he would teach him how to write the whole sentence. Even कि वो कह रहा है अब मैं तुझे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा। And also how to add numbers, और तुझे मैं numbers को add करना, calculations करना सिखा दूंगा। Apart from this, इसके इलावा, when Hari went out to buy the daily supplies, he would make a profit of a rupee a day. जब हरी सिंह सामान लेने grocery बाहर जाता था, तब वो a rupee a day profit save करके अपने पास रख लेता था। So our next question is, how does the thief think Anil will react to the theft? अभी हरि सिंह सोच रहा है भी क्या रिएक्शन होगा अनिल का जब उसे पता चलेगा that अनिल के घर पर चोरी हो चुकी है। The answer is the thief think that on discovering the theft, Anil face would show a touch of sadness. अभी हरि सिंह सोच रहा है जब अनिल को पता चलेगा that उसके घर पर चोरी हो चुकी है, then उसका रिएक्शन क्या होगा? वो sad हो जाएगा। The sadness would not be the loss of the money, but for the loss of the trust. और वो उदासी मनी के चोरी होने की नहीं होगी। The sadness is of that loss of the trust. उसका भरोसा तोड़ा गया है, इस बात की उसे उदासी ज्यादा होगी। Here is our next question. What does he say about the different reaction of the people when they are robbed? हरी सिंह के बारे में भी बात कर रहे हैं that क्या उसके अकॉर्डिंग पीपल्स के रिएक्शंस क्या होते हैं व्हेन दे आर रॉब्ड। द आंसर इज इन द शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ ही हैज स्टडीड रिएक्शंस ऑफ सो मेनी पीपल। अपने इस कैरियर के अंदर हरी सिंह ने काफी कुछ सीख चुका था वो, लोगों के चेहरे पढ़ना सीख चुका था वो। व्हेन दे आर रॉब्ड ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, जब कोई चोरी होती, ही हैज ऑब्जर्व दैट ग्रीडी पीपल शो फियर। उसने कहा जो लालची पीपल होते हैं उनके चेहरे पर डर होता है। The rich show anger, जो अमीर होते हैं वो गुस्सा करते हैं। And the poor showed acceptance, और जो गरीब होते हैं, poor होते हैं, helpless होते हैं, they show the acceptance, वो acceptance show करते हैं। Question next, does Anil realize that he has been robbed? क्या आपको लगता है that Anil को realized हो चुका था that he has been robbed, वो लूटा जा चुका है? Answer is yes, Anil has realized that he has been robbed. जी हाँ, बिल्कुल अनिल को रियलाइज हो चुका था दैट वो उसके पास से चोरी हुई थी। He knew this probably because all the notes were wet and damp because of the rain. Reason why उसको पता चल चुका था because जो notes थे वो अभी गीले हो चुके हैं। However, he did not say anything to the thief and behaved normally. But इसके अलावा, इसके बावजूद भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने कुछ नहीं कहा,
थीफ को और नॉर्मली बिहेव किया. दिस इज अ साइन ऑफ अ काइंडनेस. सो दिस इज अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट आर हरि सिंह's रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्टस ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन. तो जो हरि सिंह था उसकी प्रोस्पेक्टस क्या थी अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर. डू दे चेंज ओवर द टाइम, क्या उसका ये प्रोस्पेक्टस चेंज हुआ. So, देखते हैं अभी. When Anil offered to educate him, जब अनिल ने ऑफर किया हरि सिंह को that I'll educate you, मैं तुझे पढ़ाऊंगा. हरि thought of it as a bright career prospectus for him. हरि सिंह ने सोचा ये तो मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है. Then Hari knew that once he learned to read and write, he would achieve more. हरि सिंह ने सोचा अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं और अच्छा मुकाम, अच्छी पोजीशन में हासिल कर सकता हूँ. बिकॉज द मोटिवेशन बिहाइंड इट वॉज रॉबिंग द पीपल एंड बिकमिंग अ मोर कनिंग चीट्स. तो वो सोच रहा था भी अगर एक बार मैं पढ़ लिख गया तो मैं चालाक बन जाऊंगा और मैं लोगों को और अच्छे से लूट पाऊंगा. देन बट सून हरि सिंह रिएक्शन टू दिस प्रोस्पेक्टस ऑफ रिसीविंग द एजुकेशन चेंज. बट जैसी वो अनिल के साथ थोड़े दिन रहा देन उसकी जो प्रोस्पेक्टस थी वो चेंज हो चुकी थी अबाउट द एजुकेशन. नाउ ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न द रिस्पेक्ट एंड डेवलप अ डिजायर टू बी अ पार्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी. अब हरि सिंह के मन में आया दैट ही ऑल्सो वॉन्ट रिस्पेक्ट, वो भी एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीना चाहता है और एक सोसाइटी के अंदर, एक सोसाइटी का अच्छा सिविलाइज. देयर इज अ चेंज इन हिज हर्ट, उसके दिल के अंदर चेंज आया. क्या? प्रोबेबली बिकॉज ही गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय काम इन अनिल लाइफ. तो वो सोच रहा था उससे प्रभावित हुआ अनिल की बड़ी ही शांत, बड़ी ही काम लाइफ से सिटीजन बनकर वो अपनी लाइफ गुजारना चाहता है. Although both of them depend on a regular source of income. हालांकि जो अनिल है और हरि सिंह है दोनों की जो इनकम सोर्स है वो इरेगुलर है, कोई फिक्स इनकम नहीं है. बट अनिल सीम्स टू बी मोर सेटिस्फाइड, बट अनिल जो है वो मोर सेटिस्फाइड लग रहा है. दिस मोटिवेशन इज इनफ फॉर हिम टू रिटर्न टू द अनिल. और ये मोटिवेशन तो बहुत था उसके लिए अनिल के पास वापिस जाने का आफ्टर ही रॉब द अनिल. सो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे. बट आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है. दिस इज जस्ट टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन यू दैट आपको क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं. आपने अगर स्टोरी अच्छे से पढ़ी है, आपके दिमाग के अंदर है, देन आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल आंसर इट इजिली, आप इजिली उसका आंसर दे सकेंगे. तो जहां से क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें पढ़िएगा आउटसोर्स से एंड अच्छा स्कोर कीजिएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.